बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अली फ्रॉम चैनल फ्रेंड्स फिजिक्स। स्टूडेंट्स, एंटी टेस्ट सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज का जो लेक्चर है वो हमारा है ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एंड ऑन द एंटी टेस्ट लेवल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इस लेक्चर के स्टूडेंट्स जो कॉन्टेंट्स होंगे उसमें हम पहले शॉर्टली देखेंगे वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल, इवन थ्री डायमेंशनल मोशंस, और फिर हम टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशंस को देखेंगे। फिर उसके बाद हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन एंड ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उसमें सबसे पहले देखें कि मोशन को अगर हम कैटेगराइज करें ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शंस, तो एक होता है वन डायमेंशनल मोशन, यानी ये गाड़ी जो रोड पर ट्रैवल करती हुई जा रही है तो इट इज़ मूविंग ऑनली अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अगर वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही। एक बॉल को आपने किसी हाइट से ड्रॉप किया है या बॉल को स्ट्रेट अपवर्ड थ्रो किया है, तो ये प्योरली वाई एक्सिस है, ये भी प्योरली वाई एक्सिस के अलॉन्ग मोशन है। तो स्टूडेंट्स, ऐसा मोशन जो सिर्फ और सिर्फ किसी एक डायमेंशन के अलॉन्ग एग्जिस्ट कर रहा हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं या उसको कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन, और उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं ये सिंपल फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है, जिसमें यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है। रिमेंबर दैट दिस एक्सेलरेशन बीइंग यूज्ड इन दिस इक्वेशंस मस्ट बी अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर ये यूनिफॉर्म ना हो स्टूडेंट्स तो फिर ये इक्वेशंस वैलिड नहीं होती, उसके लिए फिर हमें डेरिवेटिव इंटीग्रेशन पर जाना पड़ता है। तो ये हो गया सबसे पहला कनेक्टिंग डॉट के वन डायमेंशनल मोशन होता है ना, वन सिंगल लाइन अदर लॉन्ग एक्स एक्सिस अदर लॉन्ग वाई एक्सिस। फिर आते हैं टू डायमेंशनल मोशन पर। ऐसा मोशन स्टूडेंट्स जिसमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों इन्वॉल्व हो जाए, जैसे दो तरह के मोशंस यहाँ पर डिस्क्राइब्ड हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, आप ज़मीन से कोई पत्थर, जैसे आप किसी नदी के किनारे खड़े होकर कोई पत्थर फेंकेंगे तो वो पत्थर इस पाथ को फॉलो करेगा। इस पाथ को मैथमेटिकल लैंग्वेज में पैराबोलिक पाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैराबोलिक। यहाँ से MCQ आता है, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज नेम्ड एज पैराबोलिक पाथ। अब यहाँ पर देखें कि प्रोजेक्टाइल फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, यानी एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, साथ साथ प्रोजेक्टाइल एक हाइट भी अटेन कर रहा है, मीन्स वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग भी ट्रेवल कर रहा है। सो दोनों एक्सिस की इन्वॉल्वमेंट इस मोशन को क्या बना रही है? टू डायमेंशनल। अच्छा, ये टू डायमेंशनल तो ऑन पेपर है, रियल में क्या होता है? रियल में अगर आप एक चीज़ को, फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट है, ये आपकी तरफ थ्रो किया गया है, तो ये स्ट्रेट अपवर्ड भी और आगे भी जा रहा है। बट इमेजिन कि अगर हवा चले इस साइड से इस साइड की तरफ, तो ये थोड़ा सा हवा की डायरेक्शन में भी टिल्ट होगा। सो तीन डायरेक्शन इन्वॉल्व हो गई, वन के ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है, टू के ये अपवर्ड मूव कर रहा है, तो ये एक्स और वाई एक्सिस इन्वॉल्व हो गए। हवा चलने से इसने एक थर्ड डायरेक्शन फॉलो की, और वो कौन से एक्सिस हो जाएंगे? जी एक्सिस। तो रियल केसेस में स्टूडेंट्स याद रखें, द प्रोजेक्टाइल मोशन इन द रियल केसेस कैन बी और मोस्ट प्रोबेबली आर थ्री डायमेंशनल मोशंस, बट ऑन पेपर हम सिर्फ किस बेसिस पर रहेंगे? टू डायमेंशनल पे। सो प्रोजेक्टाइल की डेफिनेशन यहीं से रिकॉल कर लेनी है, टू डायमेंशनल मोशन अंडर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। ये कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन का सारा खेल है स्टूडेंट, जिससे समझ कर आप पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन अंडरस्टैंड करेंगे, ड्यू टू ग्रेविटी। और ये मोशन किस वजह से प्रोबेबल है? ग्रेविटी की वजह से। इसी तरह सर्कुलर मोशन है, कोई भी सेंट्रल फोर्स लाइक सेंट्रीपिटल फोर्स जिसकी वजह से बॉडी एक प्लेन में मुसलसल घूम रही है एक नुक्ते के गिर्द। इसमें भी देखें, ये ऑब्जेक्ट दो एक्सिस की तरफ ट्रैवल कर रहा है, एक ये हाइट अटेन कर रहा है तो वाई एक्सिस, एक ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में भी ट्रैवल कर रहा है। तो जहाँ पर दो एक्सिस इन्वॉल्व हो जाए टू डायमेंशनल, जहाँ तीन एक्सिस इन्वॉल्व हो जाए थ्री डायमेंशनल। फिर प्रोजेक्टाइल मोशन की टाइप्स, तीन मेजर टाइप्स पढ़ी जाती हैं। एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, ये जो आप सेकंड केस पढ़ते हैं बुक पे, जहाँ लैंड टू लैंड प्रोजेक्शन होती है, इसे ऑब्लीक प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। और थर्ड फॉर्म कहलाता है इनक्लाइंड प्रोजेक्टाइल मोशन, के जहाँ पर लैंड टू लैंड नहीं, लैंड टू सम हाइट या एट सम एंगल, ऐसा सरफेस जो किसी एंगल पर इंक्लाइंड हो वहां पर हमें किसी ऑब्जेक्ट को फेंकना है। मिसाल के तौर पे आप जमीन पर मौजूद हैं और आपको किसी पहाड़ पर मौजूद दुश्मन का मोर्चा तबाह करना है,
तो ऑब्वियसली यू नीड इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्रीज। हम बुक स्कोप पर रहेंगे एंटी टेस्ट स्कोप में, क्योंकि एंटी टेस्ट स्कोप में इन दो से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं वो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मांगते हैं, एक हॉरिजेंटल और एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अब अगले हिस्से में स्टूडेंट्स हम हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन को बाय यूजिंग द मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन अब डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम पहला केस डिस्कस करते हैं अबाउट हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो इजी कॉन्सेप्ट से लेकर फिर थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स और कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स तक चलते हैं। तो सबसे पहले फ़र्ज़ करें कि आपके पास एक वर्टिकल हाइट वाई पर एक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है और ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, उसको हम एक्स का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स इस ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले बिल्कुल स्ट्रेट हिट करते हैं और इसको प्रोवाइड करते हैं इनिशियल वाई वेलोसिटी या इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच इज़ वी आई एक्स। इसको हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। अब ये ऑब्जेक्ट इस तरह स्ट्रेट तो जाएगा नहीं, उसकी वजह कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ है। तो ये जैसे ही यहाँ से रिलीज होगा इट विल स्टार्ट मूविंग डाउनवर्ड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। दो बातें समझनी है, मैंने लिंक भी दिया था लेक्चर का, उसमें भी कुछ पॉइंट्स आपने देखे होंगे कि स्टूडेंट्स देर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, यानी एक्स एक्सिस के अलोंग कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है। अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है तो सिर्फ वर्टिकली जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ है। तो ए एक्स यानी देर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। अब ये कुलिया याद रखें, जहां एक्सेलरेशन नहीं होती स्टूडेंट्स वहां पर चेंज ऑफ वेलोसिटी भी नहीं होता। नंबर टू, ये पार्टिकल डाउनवर्ड मूव करेगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करिए तो देर मस्ट बी एन एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस विच विल बी नेम्ड एज जी। तो ये दो ट्रिक्स याद रखने हैं कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यानी ऑब्जेक्ट को कोई अट्रैक्शन नहीं मिल रही टूवर्ड्स एक्स एक्सिस। हाँ अट्रैक्शन मिली है तो अलॉन्ग वाई एक्सिस, जिसका अमली मुजाहरा यहाँ पर नजर आ रहा है कि ऑब्जेक्ट सिर्फ सीधा जाने के बजाय डाउनवर्ड मूव करना शुरू हो गया। नंबर टू, इसको हमने इनिशियल वेलोसिटी दी अलोंग एक्स एक्सिस, तो हम यहाँ पे वेलोसिटीज लिखते चले जाते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, इसको हम वी आई एक्स का नाम दे लेते हैं, ये सिंपल वी एक्स कह देते हैं। नंबर टू, हमने इस ऑब्जेक्ट को कोई वर्टिकल वेलोसिटी अपनी तरफ से नहीं दी इनिशियली, तो यहाँ पर वी आई वाई का फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा उसके बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल शुरू में तो इसके पास एक ही कंपोनेंट्स है, तो ये जो वी आई एक्स है ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, इसके पास इनिशियली इसके अलावा और कोई वेलोसिटी नहीं है। बट थोड़ी देर बाद जब ये थोड़ा सा नीचे मूव किया है तो ऑटोमेटिकली इसने डाउनवर्ड वेलोसिटी अटेन की है, तो इसको हम वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस का नाम देंगे। फिर ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आया तो चूंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन मौजूद है लिहाजा इसकी वाई वेलोसिटी पहले से बढ़ेगी, तो देखिए मैंने y वेक्टर को थोड़ा सा ह्यूज यहाँ पर बना दिया, ये वही x कंपोनेंट और फिर यही वेलोसिटी जो पहले से और ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी, और जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इसकी जो y वेलोसिटी है स्टूडेंट्स वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब लेट्स से ये ग्राउंड तक पहुँचता है, तो ग्राउंड पर पहुँचने पर इसकी फाइनल वेलोसिटी, अब फाइनल वेलोसिटी क्या है उसे गौर से देखना स्टूडेंट्स। जब मैं दो वेक्टर्स बना रहा हूँ ना तो ये बात हो रही है कंपोनेंट्स की, एक है वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट और एक है वाई कंपोनेंट, ये अलग अलग कंपोनेंट्स, हम इन कंपोनेंट्स को अलग फाइंड करेंगे, लेकिन जब हम मेन वेलोसिटी की तरफ आएंगे तो हम इस वेक्टर को हेड टू टेल ऐड करेंगे इसमें और यहाँ से रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे। तो दिस रिजल्टेंट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी विच विल बी वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर। तो इस काम तक पहुंचने के लिए हमने अब क्या करना है, एक्सेलरेशन डिसाइड होगी ये जेन में रखनी है, हॉरिजॉन्टल केस में इनिशियल वेलोसिटीज डिसाइड होगी। अब फाइनल वेलोसिटी के लिए फर्स्ट इक्वेशंस ऑफ मोशंस लिखते हैं, वी एफ एक्स वी आई एक्स प्लस ए एक्स इंटू टाइम, वी एफ वाई वी आई वाई प्लस ए वाई इंटू टाइम। नाउ सी देर इज नो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, सो वी एफ एक्स will remain equals to vi x। इससे एक बात पता चली कि projectile motion में students जो x component of velocity है उस पर throughout the motion कोई फर्क नहीं पड़ता,
इवन हॉरिजॉन्टल में भी, और इवन जब हम ऑब्लीक पढ़ेंगे याद रखना है उसमें भी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है इट विल रिमेन सेम बिकॉज ऑफ दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट दैट ए एक्स इज इक्वल टू जीरो. नाउ वी एफ वाई, वी आई वाई कोई था ही नहीं, ए वाई विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड देन द टाइम के प्रोजेक्टाइल को जितना वक्त लगा है ज़मीन तक पहुंचने में उस टाइम को अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास फाइनल वेलोसिटी होगी, जिसकी इक्वेशन को अब मैं सिंपल लिख देता हूँ, वी एफ वाई विच इज इक्वल टू जी टी. नाउ अब देखें स्टूडेंट्स, हम अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें फाइनल वेलोसिटी को तो हम लिख सकते हैं वी आई एक्स जो कि एक्स कंपोनेंट है प्लस, ठीक है यहाँ पर हम लेट से आई यूनिट वेक्टर लिख देते हैं, वी एफ वाई जो कि जी टी है तो जी टी इसके साथ हम लिख देते हैं जे यूनिट वेक्टर. तो ये होगी वेक्टर फॉर्म. अब इसी से मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो स्टूडेंट्स तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का सिंपल मेथड होता है वी एफ यानी एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस आपके पास आ जाएगा वाई कंपोनेंट का स्केयर. ठीक है यहाँ पे वी आई एक्स लिख दें और वाई कंपोनेंट है जी टी उसका स्केयर लिख दें. स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आपको बुक में न्यूमेरिकल नंबर 11 में काम आएगा. ठीक है रेफरेंस साथ दे रहा हूँ, अभी न्यूमेरिकल नंबर 11 निकालें और इस फॉर्मूला को आपने सॉल्व करना है. तो ये स्टेटस याद रखना है कि अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो यूँ लिखना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो ऐसे फाइंड करना है. ये तो हो गई वेलोसिटीज. इन वेलोसिटीज में दो बातें याद रखें, प्रोजेक्टाइल डाउनवर्ड मूव कर रहा है, एक्स कंपोनेंट विल रिमेन सेम थ्रू आउट द मोशन इवन एट द एंड ऑफ मोशन, बट वाई कंपोनेंट जो स्टार्ट में बिल्कुल जीरो था इट केप्ट ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग. तो दो स्टेटमेंट्स याद रखें, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम एंड वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग अंटिल इट हिट्स द ग्राउंड. ये होगी बात वेलोसिटीज की. यहीं से एक कॉन्सेप्ट मैं आपको चेंज इन वेलोसिटीज का बता देता हूँ कि इनिशियल और फाइनल के दरमियान वेलोसिटीज का या मोमेंटम्स का कितना चेंज आया. तो चेंज इन वेलोसिटी के लिए स्टूडेंट सिंपली आपने लिखना है वी एफ माइनस वी आई. अब वी एफ यहाँ पर ये वी एफ लिखा हुआ है, ये टोटल वी एफ वेलोसिटी है. ठीक है यहाँ पर आई कंपोनेंट और ये जे कंपोनेंट और ये इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग थी. तो देखें वी आई एक्स में से वी आई एक्स क्या हो जाएगा माइनस, ये सारा है वी एफ और ये है वी आई. तो जो चेंज इन वेलोसिटी है स्टूडेंट्स वो सिर्फ और सिर्फ क्या है जी टी और साथ यूनिट वेक्टर जे. और अगर चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करना है तो डू नॉट वरी, आपने वेलोसिटी को मोमेंटम होता क्या है पी इज इक्वल टू एम वी, तो सिर्फ एम को इस चेंज ऑफ वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दें. तो हॉरिजॉन्टल केस में स्टूडेंट्स ये है चेंज ऑफ वेलोसिटी और ये है चेंज ऑफ मोमेंटम बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स. ऑलराइट अब आते हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस पर. डिस्टेंस इक्वेशन सेकंड इक्वेशन, एक्स डिस्टेंस फाइंड करना है तो इक्वेशन को एक्स पैरामीटर में चेंज कर दें, वाई डिस्टेंस फाइंड करना है तो इक्वेशन को वाई पैरामीटर में चेंज कर दें. नाउ एक्स इज इक्वल टू वी आई एक्स मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस जीरो बिकॉज देर इज नो एक्सेलरेशन लॉन्ग एक्स एक्सिस. तो हमारे पास एक्स डिस्टेंस की इक्वेशन आ गई x इज इक्वल टू वी आई एक्स मल्टीप्लाई बाय टाइम. y डिस्टेंस फाइंड करना है तो देखें वी आई वाई मौजूद नहीं था शुरू में तो ये फैक्टर जीरो हो जाएगा एंड y डिस्टेंस इज 1 ओवर 2 जी टी स्केयर बिकॉज ए वाई इक्वल्स टू जी. अब आप चाहें तो इस इक्वेशन को h यानी हाइट के मीनिंग्स में भी लिख सकते हैं अपनी आसानी के लिए, 1 ओवर 2 जी टी स्केयर. तो आपको हाइट पता हो तो आप टाइम पता चला सकते हैं, टाइम पता हो तो हाइट पता चल सकती है. इसमें g बाय 2 का फैक्टर क्या रहेगा कांस्टेंट, तो आप देखें कि h इज इक्वल टू 5t स्क्वायर. g बाय 2 को आप g को अगर 10 सपोज कर लें तो h इज इक्वल टू 5t स्क्वायर लिख सकते हैं आप. और यहां से आप टाइम फाइंड करने के लिए एक तो यहां से इक्वेशन बना लें अंडर रूट ऑफ 2h ओवर g, या फिर आप लिख लें t इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ h बाय 5. यहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेट टाइम्स मिल जाएंगे इस इक्वेशन से अगर आपने टाइम फाइंड करना है.
तो यहाँ तक स्टूडेंट्स डिफरेंट डेरिवेशन हो गई। देखिए इस इक्वेशन में मोस्टली हमें वी आई एक्स पता होता है और टाइम पता नहीं होता, तो टाइम यहाँ से फटाफट निकाल लें अंडर रूट एच ओवर फाइव और फिर उस टाइम को यहाँ पर रिप्लेस कर दें। अब एक स्पेशल केस है हॉरिजॉन्टल मोशन में कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं और थ्रो करते हैं, यानी एक सेम हाइट एच से हम एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हैं, ड्रॉप करने का मतलब होता है छोड़ देना, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है इस केस में, जीरो होती, लेकिन फाइनल जीरो नहीं होती व्हेन इट विल हिट द ग्राउंड। थ्रो केस में होता है कि आप उसको इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, जैसे हम वी आई एक्स वेलोसिटी देते हैं। तो अब आप जरा इमेजिन करके बताएं कि जब ये दोनों छोड़े जाएंगे, इसको ड्रॉप और इसको थ्रो किया जाएगा, तो ज़मीन पर पहले कौन सा ऑब्जेक्ट पहुंचेगा? इफ यू आर थिंकिंग दिस और इफ यू आर थिंकिंग दिस, दोनों का जो टाइम हमें नोट करना पड़ेगा कि दोनों को ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा। फिर दूसरी चीज़ हमें ये देखनी है कि क्या दोनों एक ही वेलोसिटी से ज़मीन को हिट करेंगे या नहीं। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइम। टाइम फाइंड करने के लिए सेकंड इक्वेशन पे आते हैं, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस वन ओवर टू आई टी स्क्वायर। अब ड्रॉप केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो स्टूडेंट्स ये फैक्टर जीरो हो जाएगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो हाइट इक्वेशन वन ओवर टू जी टी स्क्वायर, और टाइम इक्वेशन वही जो भी मैंने डिराइव की अंडर रूट ऑफ टू एच ओवर जी। सिमिलरली जब आप थ्रो केस पे आए तो थ्रो केस में भी अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने ये डेरिवेशन की कि हाइट इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, टाइम इज इक्वल टू टू एच ओवर जी। यानी टाइम को ड्रॉप करने या थ्रो करने से फर्क नहीं पड़ रहा, टाइम अगर प्रोपोर्शनल है तो सिर्फ और सिर्फ हाइट के, और प्रोपोर्शनल कैसे है, अंडर रूट ऑफ एच। तो अगर आपने ये बात जहन में रखनी हो कि दोनों कितनी देर में या दोनों में से कौन पहले ग्राउंड तक पहुंचेगा अगर सेम हाइट से थ्रो किया जाए, तो रिमेंबर बोथ विल रीच द ग्राउंड इन द सेम इंटरवल्स ऑफ टाइम। नाउ क्या ये दोनों एक जितनी स्पीड से पहुंचेंगे? तो उसके लिए इस केस को जानने के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं, वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब देखें वी एफ वी आई तो है ही नहीं, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और साथ टाइम है, तो स्टूडेंट्स इसकी फाइनल वेलोसिटी सिर्फ जी टी है, जबकि इस केस में अभी मैंने फाइनल वेलोसिटी डिराइव की वी आई एक्स स्क्वायर प्लस जी टी स्क्वायर। अब देखें एक वेक्टर के पास सिर्फ एक कंपोनेंट है और एक वेक्टर के पास दो कंपोनेंट्स हैं, तो दोनों में से किसकी स्पीड ग्रेटर होगी? ऑटोमेटिकली जिसके पास दो कंपोनेंट्स हैं, ये तो जी टी है ना, यहाँ पर जी टी में एक वी एफ एक्स भी ऐड हो रहा है। तो स्टूडेंट्स द फाइनल कंक्लूजन इज दैट टी वन वुड बी इक्वल टू टी टू, इसको हम केस वन और इसको अगर केस टू कह लें, बट इन केस ऑफ वेलोसिटी द वी टू वेलोसिटी विल बी ग्रेटर देन वी वन वेलोसिटी। व्हाई? इट हैज टू कंपोनेंट्स, इट हैज ओनली वन कंपोनेंट्स। तो ये है कुछ बातें, कुछ चीज़ें अबाउट हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। इन सारी चीज़ों को आप इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज़ करते हुए स्टूडेंट्स अभी खुद से पहले प्रैक्टिस करें, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। स्टूडेंट्स इसके बाद अब हम स्टार्ट लेते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसा मोशन जो लैंड टू लैंड तक एग्जिस्ट करता है। इसमें हम एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल थीटा क्रिएट करके थ्रो करते हैं विद एन इनिशियल वेलोसिटी वी आई। अब चूंकि एक एंगल थीटा बन रहा है तो हम दो प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं, एक ऑन एक्स एक्सिस और एक ऑन वाई एक्सिस, जिससे हमें यह पता चलता है कि इस वेलोसिटी के दो इनिशियल कंपोनेंट्स हैं, एक वी आई एक्स जो वी आई कॉस थीटा और एक वी आई वाई जो कहलाएगा वी आई साइन थीटा। तो यहाँ पर हम जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको यूँ लिख सकते हैं इन द वेक्टर फॉर्म, वी आई कॉस थीटा आई प्लस वी आई साइन थीटा जे। अब ये दोनों कंपोनेंट्स एक वी आई और एक वी एक्स, उसमें फिर वही कंसिडरेशंस याद रखनी है जो पिछले टॉपिक में थी कि देर इज नो एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्सेलरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस इज इक्वल टू जी, इनिशियल एक्स वेलोसिटी है वी आई कॉस थीटा, ये वेलोसिटी है इनिशियल, वाई वेलोसिटी है वी आई साइन थीटा। अब फाइनल वेलोसिटीज के लिए
सिंपल जो लिंक मैंने आपको दिया था उसमें से मैं डायरेक्ट वेलोसिटीज लिख रहा हूँ कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, ये तो अंडरस्टूड है। वी एफ वाई इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा माइनस जी टी। स्टूडेंट्स, ये माइनस साइन इसलिए कि ग्रेविटी की डायरेक्शन है डाउनवर्ड और हमने प्रोजेक्ट किया है ऑब्जेक्ट को अपवर्ड, तो द साइन ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू जी विल बी टेकन एज नेगेटिव। अच्छा, अब इन दोनों से रिलेटेड ये वी एफ एक्स, ये एफ वी एफ वाई, तो इसकी वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं कि वी एफ एक्स प्लस वी एफ वाई, जिसको जब हम इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो वी एफ एक्स स्क्वायर प्लस वी एफ वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, वी एफ एक्स की जगह ये वैल्यू, वी एफ वाई की जगह ये वैल्यू पुट करके जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, दिस वन, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला की इंपॉर्टेंस क्या है, अगर आप ये जानना चाहें कि आप जो है कुछ 10 सेकंड गुजरने के बाद आपके प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी कितनी है जबकि उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन हो वी आई, तो स्टूडेंट्स आप ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं। इसमें इनिशियल वेलोसिटी, ये वो टाइम है जिस टाइम पे आपने उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। एक तो फॉर्मूला इस प्रोजेक्टाइल में गिवन है ना, वो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का है। ये वो फॉर्मूला है जो टाइम आप पुट करके प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं एट एनी इंस्टेंट आफ्टर लिविंग द सरफेस ऑफ लैंड, एक चीज। दूसरी चीज, क्योंकि अभी एक बात तय हुई कि जो एक्स कंपोनेंट है इसने कांस्टेंट रहना है, तो एक प्रोजेक्टाइल जब थ्रू आउट द मोशन लॉन्चिंग से लैंडिंग तक जाएगा तो थ्रू आउट द मोशन इवन एट द हाईएस्ट पॉइंट इट विल हैव वन कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड दैट इज एक्स कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट के साथ क्या होगा स्टूडेंट्स, वाई कंपोनेंट शुरू में मैक्सिमम है बट जैसे जैसे वक्त गुजरेगा जी का साइन नेगेटिव होने की वजह से इस मैग्नीट्यूड में कमी आती जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर, इस हाईएस्ट पॉइंट को समझना है, एट हाईएस्ट पॉइंट द वेलोसिटी इज ओनली बिकॉज ऑफ द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, उसकी वजह के वाई कंपोनेंट शुरू में डिक्रीज करेगा। अच्छा, हाईएस्ट पॉइंट के बाद वाई कंपोनेंट में इंक्रीज आना शुरू हो जाएगा, तो बिफोर रीचिंग द हाईएस्ट पॉइंट वाई कंपोनेंट विल डिक्रीज, आफ्टर क्रॉसिंग द हाईएस्ट पॉइंट द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल इंक्रीज। तो हम दो रिजल्ट्स यहां से ध्यान में रखेंगे कि एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन रिमेन सेम, वाई कंपोनेंट पहले हाफ में इसको हाफ कर लें, इन द फर्स्ट हाफ द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, तो इन द फर्स्ट हाफ द वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विल डिक्रीज एंड देन आफ्टर क्रॉसिंग द हाईएस्ट पॉइंट द वाई कंपोनेंट विल इंक्रीज। तो इस बिहेवियर से मुतालिक क्वेश्चन आ जाते हैं कि द बिहेवियर ऑफ वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन इज इट फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। अच्छा, यहां पर एक और चीज बड़ी मजे की समझनी है कि थ्रू आउट द प्रोजेक्टाइल मोशन, फर्ज करें ये एक्स कंपोनेंट है और ये वाई कंपोनेंट है, ये वी एफ एक्स कर लें, इसे वी एफ वाई कर लें। अब देखें यहां पर एक एंगल थीटा बन रहा है, इन दोनों वेक्टर्स को अगर हम छोड़ दें तो ये यहां पर मौजूद रिजल्टेंट वेलोसिटी है। स्टूडेंट्स, जो वेलोसिटी के साथ एक्सेलरेशन का रोल है, एक्सेलरेशन हर पॉइंट पर वर्टिकली डाउनवर्ड है, वर्टिकली डाउनवर्ड है, एक्सेलरेशन की कोई इंक्लिनेशन नहीं आ रही। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज इंक्लाइंड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, जबकि वेलोसिटी जो है वो डिफरेंट एंगल्स बनाती हुई जा रही है प्रोजेक्टाइल मोशन में जो है एक्सेलरेशन के साथ। बट एक स्पेशल केस के हाईएस्ट पॉइंट पे चूंकि सिर्फ एक कंपोनेंट रह जाता है और वो है एक्स कंपोनेंट, तो हाईएस्ट पॉइंट स्टूडेंट्स वो पॉइंट है जहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का एंगल एग्जैक्ट कितने डिग्री बन जाता है, 90 डिग्री। उसके अलावा थ्रू आउट द मोशन याद रखें वेलोसिटी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ कहीं भी एंगल 90 डिग्री नहीं बनता। ओनली वन सिंगल पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट वो पॉइंट है जहां प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी और उसके एक्सेलरेशन के दरमियान एंगल कितना बन जाता है, 90 डिग्रीज का। तो हाईएस्ट पॉइंट, अब हम दो चीजें आगे डिस्कस करने लगे कि प्रोजेक्टाइल स्टार्टिंग से हाईएस्ट पॉइंट तक गया है तो वेलोसिटी में क्या चेंजेस आए हैं, और जब स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक गया है तब वेलोसिटीज में क्या चेंजेस हैं।
तो एट हाईएस्ट पॉइंट, एक तो ये बात याद रखें कि वेलोसिटी इज वी आई कॉस थीटा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज मिनिमम नॉट जीरो। वाई? जब आप किसी चीज़ को स्टूडेंट्स बिल्कुल वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं वन डायमेंशनली, तो हम कहते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, बट ये तब जब वो वर्टिकली थ्रो किया जाए। यहाँ पर तो ऑब्लीक है, मतलब ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस भी है और अलॉन्ग वाई एक्सिस भी है, तो इस केस में हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो, और प्रोजेक्टाइल के केस में हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी? मिनिमम होगी, जीरो नहीं होगी। अब पिछले टॉपिक की तरह हम चेंज ऑफ वेलोसिटीज फाइंड करते हैं, तो चेंज ऑफ वेलोसिटीज पे आ जाए। पहला चेंज हम फाइंड करेंगे बिटवीन इनिशियल एंड हाईएस्ट पॉइंट, दूसरा चेंज हम फाइंड करेंगे बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल और हाईएस्ट पॉइंट के दरमियान वेलोसिटी चेंजेस, इनिशियल वेलोसिटी का पहला वेक्टर फॉर्मूला ये मैंने लिखा हुआ है, वी आई कॉस थीटा आई प्लस वी आई साइन थीटा जे। फाइनल वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट मौजूद है लेकिन वाई कंपोनेंट क्या है? जीरो है। अब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पर डिफरेंस लेके लिखा हुआ है, तो डेल वी का ये आंसर आ रहा है माइनस वी आई साइन थीटा, और यहीं से आपने चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करना होता है एम डेल वी। सिंपल इस इक्वेशन के साथ आपने क्या मल्टीप्लाई कर देना है? ऑब्जेक्ट का मास। ये हो गया बिटवीन इनिशियल एंड हाईएस्ट। बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पे आ जाए, इनिशियल में अगर है ना वी आई कॉस थीटा आई प्लस वी आई साइन थीटा जे, उसकी वजह कि स्टार्ट में वी वाई की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सेस। इस पॉइंट पर जब प्रोजेक्टाइल आएगा तो एक्स कंपोनेंट की तो वही वेलोसिटी है, बट वाई वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? ये रिवर्स। तो अब फाइनल वेलोसिटी में ये पूरी इक्वेशन लिखेंगे बट वाई के साथ माइनस साइन लिखेंगे। अब डेल वी के लिए इन दोनों का डिफरेंस लें, ये आपके पास डिफरेंस लिया, तो डेल वी का आंसर आएगा माइनस टू वी आई साइन थीटा। सो नाउ डेल पी, अगर मोमेंटम फाइंड करना है तो इसी इक्वेशन के साथ क्या मल्टीप्लाई कर देना है? मास मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये कुछ स्टूडेंट मेजर रिजल्ट्स हैं, ये चेंज ऑफ मोमेंटम, ये चेंज ऑफ वेलोसिटी बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये चेंज ऑफ वेलोसिटी बिटवीन इनिशियल एंड हाईएस्ट पॉइंट, जो प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी एट फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज फॉर वाई कंपोनेंट, फॉर एक्स कंपोनेंट इट रिमेंस सेम। दिस इक्वेशन कैन बी यूज टू फाइंड द स्पीड एट एनी इंस्टेंट आफ्टर एनी टाइम फॉर द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये वो जनरल वेलोसिटीज की इक्वेशंस हैं जिनको हम यूज़ करके प्रोजेक्टाइल के प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। अब इससे आगे जो है वो हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे हाइट टाइम रेंज डिस्कस करेंगे, फिर हाईएस्ट पॉइंट पर मोमेंटम या फिर इसी तरह काइनेटिक एनर्जी के रिलेशंस को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स अब एंटी टेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से एक और बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि जब हम प्रोजेक्टाइल को स्टूडेंट्स लॉन्च करते हैं तो लॉन्चिंग पॉइंट पे हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो होती है मैक्सिमम। फिर वक्त के साथ साथ जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है ये वेलोसिटी डिक्रीज होकर सिर्फ और सिर्फ रह जाती है वी आई कॉस थीटा, पिछले स्लाइड में मैंने बताया। अब यहाँ पर जो थीटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसका मतलब है कि अगर आप एक ही वेलोसिटी से, लेट्स से 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से एंगल बदल बदल के प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करें तो एंगल चेंज होने से हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी भी चेंज होगी। सो वेलोसिटी का चेंज मोमेंटम का चेंज है, मोमेंटम के चेंज होने से शर्त है कि काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आएगा। सो हम कुछ फार्मूलाज यहाँ पर डिराइव करेंगे या डिस्क्राइब करेंगे, फिर हम डिफरेंट एंगल्स पर हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट पर मोमेंटम, हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक और इवन पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे कि किसी सर्टेन एंगल पर प्रोजेक्टाइल की हाईएस्ट पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होती, उसका तरीकेकार। हम इनिशियल को मैक्सिमम सपोज कर लेते हैं, यानी इनिशियल पॉइंट पर वेलोसिटी वी एम मैक्सिमम है, इनिशियल मोमेंटम पी एम मैक्सिमम है, इसको हम पी एम वी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल पॉइंट पे चूंकि वेलोसिटी मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगा, 1/2 एम वी आई स्क्वायर, इसको हम के एम लिख सकते हैं। ऑल राइट, एक तो ये हो गया कि इनिशियल पॉइंट्स पर काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम और वेलोसिटी। स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम यू से पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है एम जी एच। अब प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट की इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, अभी मैं इस पर डिफरेंट नेक्स्ट स्लाइड में हाइट टाइम और रेंज को भी डिस्कस करेंगे, तो मैं यहाँ पे पहले तो डायरेक्ट हाइट का फॉर्मूला लिख दिया, वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर टू जी। नाउ सी,
हाइट हमें मिलेगी 90 डिग्री पे मैक्सिमम। तो अगर यहाँ पे 90 डिग्री पुट करें तो हाइट की इक्वेशन आती है वी आई स्क्वायर ओवर 2g। इसको हम HM यानी मैक्सिमम हाइट कह सकते हैं। इसका मतलब है कि हाइट अब वेरी करेगी, ये वी आई स्क्वायर ओवर 2g स्टूडेंट्स क्या है, मैक्सिमम हाइट। तो हम प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट को यूं सिंप्लीफाई कर सकते हैं, H इज इक्वल टू HM इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सो हाइट वेरी करने से पोटेंशियल एनर्जी वेरी करेगी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जो MgH मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर इसका मतलब है कि हम यूं भी लिख सकते हैं MgHm साइन स्क्वायर थीटा। यानी जैसे ही एंगल वेरी करेगा पोटेंशियल एनर्जी भी वेरी करेगी। सो नाउ अब आते हैं हाईएस्ट पॉइंट पर। वेलोसिटी अगर वी आई कॉस थीटा है तो मोमेंटम आपके पास एम वी आई कॉस थीटा हो जाएगा। एम वी आई, यहाँ पर एम वी आई या एम वी एम, इसको स्टूडेंट्स हम पी आई भी लिख सकते हैं। यानी फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू पी आई कॉस थीटा, और पी आई चूंकि मैक्सिमम मोमेंटम था तो हम यहाँ पर एम लिख देते हैं। ऑल राइट, फिर काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv². अब यहाँ पर वी स्क्वेयर वी आई कॉस थीटा, तो वी आई स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। स्टूडेंट्स इतना हिस्सा कॉस के अलावा ये हमारे पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पर 1/2 mv². तो हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी को लिख सकते हैं km इंटू कॉस स्क्वेयर थीटा। तो तीन इक्वेशंस, vf या हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी है वी आई कॉस थीटा, इसको आप वी आई की बजाय वी एम कॉस थीटा लिख लें। फाइनल मोमेंटम पी एम कॉस थीटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के एम कॉस थीटा। अब डिफरेंट एंगल्स पर स्टूडेंट मैं आपको एक से दो वैल्यूज, फॉर एग्जांपल मैं आपको सिर्फ एक वैल्यू डिराइव करके बताऊंगा, बाकी सारे रिजल्ट्स आप ये टेबल बना के खुद वेरीफाई करेंगे तब आपको मज़ा आएगा ये काम करने का। तो नंबर वन, 30 डिग्री पर हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी, मोमेंटम क्या होगा, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो सी, यहाँ पर मैंने साइन और कॉस की वैल्यूज लिखी हुई हैं एंगल्स के मुताबिक। तो स्टार्ट करते हैं, एंगल है 30 डिग्री। नाउ सी, वी एफ यानी हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी होगी वी एम कॉस 30। अब कॉस 30 की वैल्यू है √3/2, तो इसका मतलब हुआ कि 30 डिग्री पे हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी का √3/2 हो जाएगी। तो हमने 30 डिग्री पे क्या लिख दिया, √3/2 वी एम। सिमिलरली हाईएस्ट पॉइंट पर मोमेंटम एम, या यूं कह लें पी एम कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ मैंने ये डेरिवेशन बताई आपको। तो अब कॉस थीटा की तो वैल्यू वही है, तो हाईएस्ट पॉइंट मोमेंटम हो गया √3/2 ऑफ मैक्सिमम मोमेंटम। तो हाईएस्ट पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का मोमेंटम मैक्सिमम मोमेंटम का √3/2 हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी पे आ जाएं, तो के एफ इज इक्वल टू के एम, अब यहाँ पे कॉस स्क्वेयर 30 डिग्री आएगा। अब कॉस 30 टू √3/2, इसका स्क्वेयर लेंगे तो आपके पास ये बचेगा 3/4 km। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 3/4 km आ गया। अब अगर हम देखें पोटेंशियल एनर्जी को स्टूडेंट्स, तो पोटेंशियल एनर्जी में कॉज नहीं साइन यूज हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू यू एम साइन स्क्वायर थीटा। देखें एम जी एच एम, इसको आप मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कह सकते हैं। अब इसमें सारी वेरिएशन साइन फंक्शन से आएगी, यू एम, अब साइन 30 और उसका भी स्केयर, तो यू इज इक्वल टू यू एम। टेबल से देखें साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, उसका स्केयर हो जाएगा 1/4, तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी यू एम डिवाइडेड बाय 4। अब देखें ये वो दो पॉइंट्स हैं जो आगे जाके फिर कनेक्टेड होंगे, के देर इज एन इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए 30 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी आ रही है 1/4, काइनेटिक आ रही है 3/4, दोनों को ऐड अप करेंगे तो इस पॉइंट पर जो टोटल एनर्जी होगी स्टूडेंट्स, टोटल वो होगी टोटल काइनेटिक प्लस टोटल पोटेंशियल। तो आपके पास 3/4 + 1/4, ये आपके पास मैक्सिमम एनर्जी आ जाएगी, ये टोटल एनर्जी आ जाएगी। और केस में 1/4 होता है 25%, 3/4 होता है 75%,
तो 30 डिग्री पर हाईएस्ट पॉइंट पर स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट के पास 25% एनर्जी पोटेंशियल होती, 75% काइनेटिक होती। 45 डिग्री पर 50% पोटेंशियल, 50% काइनेटिक। 60 डिग्री पर 75% पोटेंशियल और 25% काइनेटिक। और 90 डिग्री जो बिल्कुल वर्टिकल हाइट होती है, हाईएस्ट पॉइंट पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 100% पोटेंशियल होती है और कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होती। तो मैं 30 डिग्री का केस आपको डिराइव कर दिया। अब आप स्टूडेंट्स बैठ के 45, 60 और 90 के केसेस को वेरीफाई करें। हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक एक करके प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट, टाइम, रेंज और फिर इनके म्यूचुअल रिलेशंस के बारे में लेक्चर जो है वो अब आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं हाइट को। तो स्टूडेंट्स, हाइट की इक्वेशन है जो वर्टिकल हाइट अटेन करेगा कोई भी प्रोजेक्टाइल, वो है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। स्टूडेंट्स, जिस भी इक्वेशन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, सबसे पहले उसकी वैल्यू को ज़रा ठिकाने लगाते हैं। जैसे अब साइन थीटा की वैल्यू अगर 1 होगी तो हमें मैक्सिमम हाइट मिल सकती है। अब साइन थीटा हो या साइन स्क्वायर थीटा हो, दोनों की वैल्यू 1 किस एंगल पर होगी? 90 डिग्री पर। यानी आप एक सर्टन स्पीड के साथ अगर प्रोजेक्टाइल को 90 डिग्री पर लॉन्च करेंगे तो इट विल अटेन मैक्सिमम हाइट। तो हम मैक्सिमम हाइट को hm से डिनोट करते हैं और ये बन जाएगा वी स्क्वायर ओवर 2g। अब वी स्क्वायर ओवर 2g चूँकि मैक्सिमम हाइट है, तो इस इक्वेशन को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, h=hm साइन स्क्वायर थीटा। यानी अब जितनी वेरिएशन आनी है हाइट में, वो विद रिस्पेक्ट टू साइन थीटा आनी। तो फॉर एग्जांपल 90 डिग्री पर हाइट मैक्सिमम है, hm है। अगर हम 30 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करें, तो जब हम यहाँ पर साइन 30 की वैल्यू पुट करेंगे और उसका स्क्वायर लेंगे तो 1/4 आएगा। तो 30 डिग्री पर जो हाइट होगी स्टूडेंट्स, वो मैक्सिमम हाइट से 1/4 टाइम्स कम होगी। मिसाल के तौर पे अगर 90 डिग्री पे ये हाइट 100 मीटर है, तो इसे 4 गुना कम होगी 30 डिग्री पर, यानी इसके कंपैरिजन में 25 मीटर हो जाएगी। 45 डिग्री पर मैक्सिमम का हाफ हो जाएगी। आपने यहाँ पर एंगल्स पुट करते जाना और आपको आंसर्स मिलते जाएंगे। यानी 45 डिग्री पर जो हाइट होगी वो मैक्सिमम हाइट का हाफ हो जाएगी, यानी यहाँ पर 50 मीटर अटेन होगी। और अगर आपके पास होगा 60 डिग्री, तो फिर स्टूडेंट्स 3/4 या 3/4 ऑफ 60 डिग्री आ जाएगी, यानी 75 मीटर जो है वो हाइट हो जाएगी। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर दो डिफरेंट एंगल्स पर आपको हाइट की रेशियो फाइंड करनी हो, तो बजाय फुल इक्वेशन यूज़ करने के आप ये इक्वेशन भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से 30 डिग्री और 60 डिग्री अगर हम रेशियो फाइंड करनी हो, तो hm साइन स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 2। अब hm से hm क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो साइन स्क्वायर थीटा 1 रेशियो साइन स्क्वायर थीटा 2 आ जाएगा। तो 30 डिग्री पे साइन स्क्वायर 30 होगा 1/4, साइन स्क्वायर 60 होगा 3/4, 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आएगा 1:3। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 60 डिग्री पर, मतलब सेम स्पीड के साथ 60 डिग्री एंगल पर जो हाइट अटेन होगी, वो 30 डिग्री के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा होगी। और यहाँ पर आप एक देख भी सकते हैं, 30 डिग्री पे कितनी हाइट है, 25 मीटर, 60 पे कितनी है, 75 मीटर। तो 25 × 3, 3 टाइम्स ज़्यादा हाइट होगी कितने एंगल पर, 60 डिग्री एंगल पर। स्टूडेंट्स, यहीं से क्वेश्चंस कुछ आते हैं कि व्हाट आर द रेशियोज ऑफ हाइट्स एट थीटा एंड 90 − θ। अब देखें, ये थीटा है ना, तो ये 90 − θ, यानी 90 − 30 कितना होता है, 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने के लिए एक सिंपल सा शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं कि यहाँ पर तो आ गया चलें hm साइन स्क्वायर थीटा, ये एंगल हो गया। अब 90 − θ क्या होगा, hm साइन स्क्वायर 90 − θ। स्टूडेंट्स, साइन 90 − θ जो होता है, ये कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये इक्वेशन मॉडिफाई हो जाएगी hm कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा पर। तो अब देखें, हम जब इक्वेशन को दो पैरामीटर्स पे ले आए कि एंगल विद थीटा एंड विद 90 − θ, हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम एक और तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, यानी एक शॉर्टकट अप्लाई कर सकते हैं, वो ये कि अब हम लिख सकते हैं hm साइन स्क्वायर थीटा रेशो hm कॉस स्क्वायर थीटा।
यानी अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट आर द रेशियो एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, साइन स्केयर थीटा रेशो कॉज स्केयर थीटा। अब इस थीटा का मतलब है कि आप सिर्फ ये वाला एंगल यूज़ कर लें, आपको 90 माइनस थीटा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ हाइट्स एट थीटा एंड 90 माइनस थीटा, इट वुड बी साइन स्केयर थीटा रेशो कॉज स्केयर थीटा। अब ये कॉज स्केयर अगर इधर डिवाइड हो जाए, ठीक है, अच्छा पहले चलें यहाँ से एक मैं फैक्ट सॉल्व कर देता हूँ। लेट्स से 30 और 60 एंगल हैं थीटा और 90 माइनस थीटा, तब आप सिर्फ 30 डिग्री यूज़ कर लें। साइन 30 होता है 1/4 स्केयर की वजह से, कॉस 30 होता है अंडर रूट 3/4, तो सिंपल अंडर रूट 3/2 होता है तो उसका स्केयर 3/4 आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल, स्टूडेंट सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। तो 30 और 60 ये दोनों एंगल्स हैं जिन पर रेंज हमेशा इक्वल होगी, बट हाइट्स के दरमियान जो है वो डिफरेंस आएगा। तो यहीं से एक पैरामीटर और चेंज हो सकता है कि अगर आप कॉस को इधर डिवाइड कर दें तो साइन ओवर कॉस बनेगा 10, तो 10 स्केयर थीटा रेशो 1 आ जाएगा। अब यही एंगल थीटा अगर आप 10/30 पुट करेंगे तो 10/30 स्टूडेंट्स होता है 1/√3, जिसका स्केयर हो जाएगा 1/3 रेशो 1। तो अगेन तीसरी तरह से भी वही आंसर आ रहा है 1:3। तो इन शॉर्ट अब आपको बजाय कंफ्यूज करने के मैं अगर आपको सिंपल समराइज़ कर दूँ ये चीज़, तो वो ये कि अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट आर द रेशोज एट 30 एंड 60 डिग्री, तो आप चाहे तो साइन स्केयर थीटा 1 रेशो साइन स्केयर थीटा 2 से भी फाइंड कर सकते हैं, चाहे तो साइन स्केयर थीटा रेशो कॉज स्केयर थीटा से, बट उसमें फिर आप सिर्फ एक एंगल यूज़ करेंगे, या फिर थर्ड नंबर पे आप टेन स्केयर थीटा रेशो 1 से भी ये रेशो फाइंड कर सकते हैं, जिससे आपको आसान लगे आप फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसी तरह टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन लिख के टी इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा ओवर जी, सबसे पहले हम मैक्सिमम टाइम देख लें कि किस प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए टाइम मैक्सिमम लगेगा। तो अगर साइन थीटा इक्वल्स टू 1 यानी व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा स्टूडेंट्स, तो तब टाइम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो देखें मैक्सिमम टाइम कब होगा, जब हम प्रोजेक्टाइल को बिल्कुल स्ट्रेट अपवर्ड थ्रो करेंगे तो उसके जाने और वापस आने में स्टूडेंट्स जो टाइम लगेगा वो होगा 2vi/g। अब 2vi/g को हम tm यानी मैक्सिमम टाइम लिख सकते हैं, तो इट विल वेरी विद साइन थीटा। अब एंगल्स वेरी चेक करते जाएं, 30 डिग्री पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो 30 डिग्री पर जो टाइम है वो मैक्सिमम का हाफ हो जाएगा, 45 डिग्री पर 1/√2 टाइम्स और 60 डिग्री पे 1/√3/2 टाइम्स हो जाएगा। सिमिलरली स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन में टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है 2 टाइम्स ऑफ vi sin थीटा ओवर g। अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच द मैक्सिमम हाइट, तो ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस है। तो हाफ ऑफ द डिस्टेंस के लिए आप ये 2 टाइम्स है ना, तो इसको हाफ कर दें, यहाँ पे सिंपल आ जाएगा vi sin थीटा ओवर g। और इसी तरह अगर आपको 2 टाइम्स की रेशोज फाइंड करनी हो तो फिर आप या तो साइन थीटा रेशो साइन थीटा 1 रेशो साइन थीटा 2 फाइंड कर लें। अगर कहा जाए एट एन एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा इस पे रेशो फाइंड करनी हो, तो आप फिर पिछले हाइट जैसा फैक्टर यूज़ कर सकते हैं, साइन थीटा रेशो कॉस थीटा, और कॉस इस तरफ डिवाइड कर दें तो यू कैन फाइंड द रेशो बाय tan थीटा रेशो 1। तो इस तरीके से आप टाइम की प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स इसी तरह हम हाइट और टाइम की दोनों इक्वेशंस को यूज़ करते हुए एक रिलेशन बना सकते हैं बिटवीन हाइट एंड टाइम। अब हाइट की इक्वेशन आपके सामने है v² / 2g (sin²θ), और से इसको मेमोराइज कर लें। टाइम इक्वेशन है 2v sin θ/g। अब हमें यहाँ पर सबसे पहले तो टाइम को हाइट के कंपैरिजन में लाने के लिए इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो हम टी स्क्वायर अप्लाई करते हैं, तो टी स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स 4v² sin²θ/g². अच्छा अब करना ये है कि आपने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी करना है और 2 से डिवाइड भी करना है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, 4 2 8 बन गया। इधर बचा v² sin²θ/2g². अब 2g² को 2g² लिखने की बजाय 2g (g) लिख दें। वजह, ये जो सारा फैक्टर बन रहा है स्टूडेंट्स, ये फैक्टर बन रहा है हाइट का। तो देखें v² sin²θ/2g, v² sin²θ/2g, इस सारे की जगह हम क्या लिख सकते हैं, h। अब 8h/g, ये टाइम के साथ रिलेशन बन रहा है, यहाँ से हम हाइट लिख सकते हैं h = gt² / 8। तो ये फिगर याद रखना आसान है, h = gt² / 8। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, फॉर एनी एंगल
द रेशो ऑफ हाइट एंड टाइम स्क्वायर या टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल स्क्वायर एट एनी एंगल इज, अब टी स्क्वायर इधर डिवाइड कर दें, इधर बचेगा जी बाई एट। अगर हम जी को 10 सपोज कर लें तो 10 बाई एट, और सिंप्लीफाई कर लें तो 5 बाई 4। यानी फॉर एनी एंगल द रेशो ऑफ हाइट एंड टाइम स्क्वायर इज ऑलवेज 5:4। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अगर आपको हाइट पता हो आप टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल निकाल सकते हैं, टाइम पता हो तो आप हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम एक एक करके प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट, टाइम, रेंज और फिर इनके म्यूचुअल रिलेशंस के बारे में लेक्चर जो है वो अब आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहले डिटेल में डिस्कस करते हैं हाइट को। अब आते हैं स्टूडेंट्स रेंज की इक्वेशन पर। रेंज है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल तय करता है फ्रॉम लॉन्चिंग टू लैंडिंग पॉइंट। रेंज के लिए बेसिक इक्वेशन दी है कि इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट स्टूडेंट होता है वी आई कॉस थीटा, और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो है स्टूडेंट्स वो होता है 2 VI साइन थीटा ओवर जी। अब इसको मैं एक बड़ी तरतीब से लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 2 सामने स्ट्रेट में, फिर वी आई कॉस थीटा, फिर वी आई साइन थीटा। अब देखें वी आई कॉस थीटा जो है वो एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, वी आई साइन थीटा जो है वो इनिशियल वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। तो आप रेंज को यूँ भी लिख सकते हैं कि इट इज़ इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस डिवाइडेड बाय जी। सिमिलरली स्टूडेंट्स इसी इक्वेशन को आप दोबारा रीराइट करें, वी आई इंटू वी आई हो जाएगा वी आई स्क्वेयर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन डबल एंगल आइडेंटिटी इसको कहते हैं, तो ये पूरा फैक्टर साइन 2 थीटा के इक्वल हो जाएगा। अब हमें मैक्सिमम रेंज चाहिए होती है तो साइन 2 थीटा का फैक्टर 1 होना चाहिए। यहाँ पर 2 थीटा जो है वो इक्वल्स टू आएगा 90 डिग्री, क्योंकि साइन इनवर्स 1 क्या होता है 90, और सिंगल थीटा फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा स्टूडेंट्स 45 डिग्री। तो 45 डिग्री वो एंगल है जिस पे रेंज क्या होती है मैक्सिमम। तो स्टूडेंट्स जब यहाँ पे 45 पुट करेंगे तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला आएगा वी स्क्वायर ओवर जी। तो सिंपल वी स्क्वायर ओवर जी आपके पास किस रेंज का फॉर्मूला है मैक्सिमम। अब वी स्क्वायर ओवर जी की जगह आप लिख सकते हैं आर मैक्सिमम, साथ का मल्टीप्लाई कर सकते हैं साइन 2 थीटा। तो यहाँ तक तो हो गया। एक बात ध्यान में रखनी है कि मैक्सिमम रेंज किस एंगल पर होगी, 45 डिग्रीज पर। यानी अगर आप एक ही कॉमन वेलोसिटी सेट कर लें 20 meters per second, और इस वेलोसिटी से आप प्रोजेक्टाइल को डिफरेंट एंगल्स पर थ्रो करें 30, 45, 60, तो सबसे ज़्यादा रेंज आपको किस एंगल पर मिलेगी सेम स्पीड के साथ, 45 डिग्रीज पर। स्टूडेंट्स इसी तरह एक और कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है कि वो दो एंगल्स जिनको हम 90 और 90 माइनस थीटा कहते हैं, या फिर वो एंगल्स जो 45 से इक्वली ग्रेटर और इक्वली स्मॉलर हों, उन पे रेंजेस हमेशा इक्वल होती हैं। एक सिंपल सी एग्जांपल कि 45 डिग्री पे रेंज होगी मैक्सिमम, 30 डिग्री और 60 डिग्री, 30 एंड 60, इन दोनों पे रेंजेस मैक्सिमम नहीं होंगी मगर इक्वल होंगी अगर इनको सेम स्पीड के साथ थ्रो किया जाए और एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया जाए। तो यहाँ पर डू रिमेंबर, अगर आपसे कहा जाए कि अगर एक रेंज 35 डिग्रीज पर है R1, तो बताएं इतनी ही सेम रेंज किस एंगल पर होगी। तो आपने सिंपल स्टूडेंट्स क्या करना है, 90 में से 35 को आपने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो जो भी आंसर आएगा स्टूडेंट्स दैट विल बी द आंसर फॉर एग्जांपल यहाँ पे 55 डिग्री आता है, तो 35 डिग्री की रेंज और 55 डिग्री की रेंज, ये दोनों रेंजेस क्या होंगी, इक्वल होंगी। इन शॉर्ट याद रखें स्टूडेंट्स, हर वो दो एंगल्स जैसे 30 60 हैं, जैसे 50 40 हैं, जैसे 35 55 हैं, हर वो दो एंगल्स जिनको ऐड करने से 90 बनता हो, स्टूडेंट्स याद रखें उन पे रेंजेस हमेशा क्या होंगी, इक्वल होंगी, मैक्सिमम नहीं होंगी। अच्छा एक और बड़ी मज़े की बात, अभी तो मैंने कहा ना 45 पे रेंज मैक्सिमम होती है। फॉर एग्जांपल आपको एंगल्स दिए हैं 30 डिग्री, 42 डिग्री, 60 डिग्री, बताएं इन तीनों में से रेंज किस पे मैक्सिमम होगी। अब आप 45 तो नहीं देख रहे, लेकिन आपने ये देखना है कि कौन सा एंगल 45 के करीब तरीन है, तो उस करीब तरीन एंगल पर रेंज बाकियों की निस्बत क्या होगी, मैक्सिमम होगी। स्टूडेंट्स अब एक कॉन्सेप्ट हम ग्रैब करते हैं बुक से। आपकी बुक में रेंज और हाइट का एक रिलेशन दिया हुआ है कि वो एंगल फाइंड करें जिस पर हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट इक्वल होते हैं। अब देखें जब आप रेंज और हाइट को इक्वल लेकर वो न्यूमेरिकल नंबर 13 सॉल्व करते हैं, मैं यहाँ पे न्यूमेरिकल का हिंट दे रहा हूँ, उस न्यूमेरिकल को देखना है गौर से, न्यूमेरिकल नंबर 13 आप सॉल्व करते हैं
तो रेंज और हाइट इक्वल कब आते हैं, जब एंड पे टेन थीटा इक्वल्स टू फोर आता है। अब यहाँ पे टेन इनवर्स फोर कंसिडर करते हैं तो 76 डिग्री आता है। अच्छा यहाँ पर फर्ज कर लेते हैं आर इज इक्वल टू वन एच है। अब मैं आपको कुछ टास्क दे रहा हूँ, आपने आर इज इक्वल टू टू एच न्यूमेरिकल 13 पहले सॉल्व करना है, उसी को जहन में रखते हुए आर इज इक्वल टू टू एच और आर इज इक्वल टू थ्री एच को सॉल्व करके देखना है कि टेन थीटा की क्या वैल्यूज आती हैं और फिर थीटा की क्या वैल्यूज आती हैं, ये आपने यहाँ पे फिल करनी है। इस एंड पे आर इज इक्वल टू फोर एच एक रिलेशन है, ये आता है कि जब आपके पास एंगल हो 45 डिग्री। इसको मैं प्रूव करता हूँ ऐसे कि 45 पे रेंज होती है मैक्सिमम, तो मैं यहाँ पे आर मैक्सिमम लिख रहा हूँ एट 45 डिग्री। तो रेंज की इक्वेशन में भी 45 पुट कर दें, उसके बाद हाइट की इक्वेशन में भी 45 पुट करें। अब हाइट इक्वेशन होती है वी स्केयर ओवर टू जी साइन स्केयर थीटा। अब स्टूडेंट्स जब आप साइन स्केयर 45 डिग्री पुट करेंगे तो आएगा 1/2। अच्छा 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो वी स्केयर ओवर जी मल्टीप्लाई बाय 1/4। अब यहाँ से गौर से देखें, वी स्केयर ओवर जी क्या है, आर मैक्सिमम, मैक्सिमम रेंज, ये 4 हम दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक रिलेशन मिलेगा कि आर इज इक्वल टू 4h होता है कितने डिग्रीज पर, 45 डिग्री पर। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा फैक्ट कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूँ, जो पहले हमने रिलेशन पढ़ा h इज इक्वल टू जी टी स्केयर बाय 8, इट इज़ वैलिड फॉर ऑल दी एंगल्स, ये तमाम एंगल्स के लिए वैलिड है। बट स्टूडेंट्स आर इज इक्वल टू 4h या आर इज इक्वल टू 1h, ये जो इक्वालिटीज़ हैं ये तमाम एंगल्स पे वैलिड नहीं है, इसके लिए हर एंगल डिफरेंटली पुट किया जा रहा है। आर इज इक्वल टू 1h होगा 76 डिग्री पे, आर इज इक्वल टू 4h होगा 45 डिग्रीज पे। अब ये रिलेशन कैसे यूज़ किया जा सकता है, अगर आपसे कहा जाए स्टूडेंट्स कि एक प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट है 200 मीटर, तो बताएं उसने कितनी रेंज अटेन की होगी। तो सिंपल, मैक्सिमम रेंज वुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ हाइट, तो उसकी रेंज कितनी हो जाएगी 800 मीटर। तो दिस रिलेशन इज़ वैलिड एट 45 डिग्रीज, दिस रिलेशन आर इज इक्वल टू एच इज़ एट 76 डिग्री और टेन थीटा इज इक्वल टू 4। ये दोनों गैप्स फिल करके आपने कमेंट में मुझे आंसर करना है। स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, ये था प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन द स्कोप ऑफ एंट्री टेस्ट। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिफरेंट बुक्स की मदद से आप उनको सॉल्व करें, और फिर जो जो मैंने अंदर लूप्स छोड़े हैं उनको सॉल्व करके कमेंट करें, और इस लेक्चर को स्टूडेंट्स अपने फेलोज़ के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें ताकि ये ट्रेंडिंग में आ सके और बाकी लोगों तक पहुँच सके। अगले लेक्चर में जल्द हाजिर होंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।